हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विराट के बघेली बुलेटिन में। हम आहन पूजा खबर डभौरा से हवे, जहाँ के जतरी गांव में ही कुछ भाजपा नेता और उनकर परिवार गुंडागर्दी में उतारू। हम अपना को बताए दी कि ई गाँव के एक ठे गरीब ब्राह्मण के जमीन का हथियावे में जुटे हमा। जतरी गांव के रहे वाले देवलाल दुबे बताएं कि कुछ दिन पहले वो जमीन खरीदे रहे हैं, जौने के दुनहू कई महेंद्र सिंह चौहान के सरहदी लागत ही बे। पीड़ित बताएं कि सरहदी लागे के कारण उनके जमीन में ही कुछ लोग कब्जा कर लाहमा, और वह जब कब्जा हटावे खातिर बात करा था तो उनका धमकी दिन जा ला ही बे। 1.69 डिसमिल मतलब 3.5 बीघा के लगभग, दूसरी जमीन 85 डिसमिल है, जिसमें महेंद्र सिंह और संजीव सिंह, दीपू सिंह उर्फ मनोज सिंह, ये हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं। उसके पहले हमने 3 बार नाप कराया आरआई और पटवारी द्वारा, तथा तीसरी नाप इसलार से हुई, फिर भी हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। सर, मैंने थाना डिभौरा में 4 बार रिपोर्ट किया ज़मीन के विषय में कि हमें गांव में मारने आते हैं, ज़मीन जो उतने बोने नहीं पाते हैं। थाना डिभौरा से कोई एक्शन आज तक नहीं लिया गया। कोरोना के बाद से लोगन का ही खाए कमाई के समस्या से जूझे पर अल्लाह है। अपना को बता दें कि पैसा कमाई के लाने सतना के एक ठे युवक बिहार के एजेंट के लिंक में आएगा और मलेशिया के जेल में पहुंचेगा। वहीं जब परिजनन का जानकारी मिली कि उनकर बेटा अमित मल्ला मलेशिया के जेल में बंद हम, तो अपने बेटा के रिहाई खातिर राजनेतन से और भारतीय दूतावास से गुहार लगाए रहे हम। पुलिस वाले गार्डर को पकड़ लिए हैं, 15-20 दिन बाद छोड़ देंगे। 20 तारीख को नहीं जाए, 20 तारीख के बाद जानकारी नहीं आ रही। वकील सर के पास दिया है और सांसद जी के पास भी दिए हैं आवेदन, हर जगह तो भेजे हैं एजेंट एक दिन। अब उसके बात नहीं करना, बस मैसेज करना हो गया। हम लोग पढ़े लिखे हैं, मैसेज करेंगे उसके पास। रीमा के सौदामिनी नर्सिंग के कॉलेज में ही पहल साल के विद्यार्थी खातिर शपथ ग्रहण के समारोह के आयोजन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में कीनगा। अपना को बता दी के कार्यक्रम के शुभारंभ पूर्व सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी, सौदामिनी सेवा संस्थान के संस्थापक मनु त्रिपाठी दीप जलाए के करीन ही बे। और अब बात करे थे आशा उषा यूनियन के कार्यकर्ता के, जो अपने वेतन व बढ़ोतरी खातिर प्रदर्शन कर रही हम। अपना को बता दी कि सैकड़न के संख्या में ही आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगन खातिर सड़क में प्रदर्शन करीन और मध्य प्रदेश शासन से मांग करीन के आशा कार्यकर्ता के 10,000 और सहयोगिन के वेतन 15,000 रुपया तक बढ़ावा जाए। इस समय बतावागा के आशा उषा एकता यूनियन प्रदेश व्यापी स्तर में ही आंदोलन कर रहा है, जहां प्रदेश भरे में ही जिला और ब्लॉक के मुख्यालय में ही इमेर के प्रदर्शन की जा रहा है और अपन मांग मध्य प्रदेश शासन के संग रखी जा रहा है। वेतन कम लेके रहेंगे, नारी है ये आशा उषा एकता यूनियन का पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन है। पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला और ब्लॉक मुख्यालय में यह आंदोलन किया जा रहा है। इसमें यह है कि आशा उषा सहयोगनी एकता यूनियन को, आशा यूनियन को 10,000 और सहयोगनियों को 15,000 रुपए मासिक वेतन प्रदान। अब हाल ही में भी त्रिस्तरीय पंचायती और नगरी निकाय चुनाव के परिणामन के घोषणा के बाद जहां कुछ प्रत्याशी अपने जीत के जश्न मनाए रहे हैं, तो वह दूसर कई हारे प्रत्याशी के ऊपर अपन प्रभुत्व घलाए दिखाए रहे हम। अपना को बताई दी की खबर सिमरिया से है, जहाँ सरपंची खातिर जीता प्रत्याशी हारे प्रत्याशी के संगे मारपीट करी निभाए। अरे अनूप पांडे जो हैं वर्तमान सरपंच, 8 तारीख को चुनाव जीते और वो चुनाव के विपरीत हमारी भयाहू सुनीता मिश्रा थी। वो चुनाव जीतने के बाद वो जीत हजम न कर पाए। 22 तारीख को हमारे लोगों के ऊपर लाठी डंडा कुल्हाड़ी से हमला कर दिया 7:30 बजे सुबह। उनको लेकर के हम थाने गए, थाने में जब फरियाद करवाने ले गए तो वहीं फिर अनूप पांडे पहुँचे और बोले कि ऐसा है कि तुम ज़्यादा नक्शा हारने के बाद भी दिखा रहे हो, जो तुम संभल के रहना नहीं, तुम्हारे हम खानदान को तुमको सही चुरा दिए। और अब बात करी थे रीवा के रायपुर करछुलियान थाना के, जहां 20 साल के अंबिका पटेल के निर्मम हत्या कई दिन गई रही।
वहाँ पुलिस हत्या का प्रेम प्रसंग में की हत्या मानी के कुछ आरोपी का गिरफ्तार करे रही। वह मृतक के पिता कहिन के हत्या के अपराध में ही मृतक के प्रेमिका और उनके मां के घलाए सहभागिता रही, जबकि पुलिस उनका अपराधी नहीं बनाया ही। वह मामला के कुछ दोषी फरार चला रहा, जिनकर गिरफ्तारी के मांग की गई है। आई अपना को सुनाई थे पीड़ित के मुहे से सलगा मामला। पटेल किया मर्डर किया गया, मर्डर हुआ, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। वो उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा माँ और बेटी और फिर पूंछ में की गई, जिसमें सुनील तिवारी मेमोरेंडम में आ गया, लेकिन लव तिवारी अभी भी फरार है। ये दोनों साथ में फरार हैं, मोबाइल भी इन्हीं के पास मृतक का। कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं? 3 आरोपी पकड़े गए। कितने फरार हैं? फरार 2 हैं और माँ बेटी घर में। पुलिस का क्या कहना है इस पर? इसमें माँ वो सुनील तिवारी को तो आ गया है नाम, लेकिन लव तिवारी अभी भी नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? राजमणि पटेल। क्या मामला है? मामला साहब, हमारे लड़का का जान हत्या कर दिया। किसने जान हत्या कर दिया? मंगल कुमार, उसका प्रजापत कहते हैं, ओकर 2 लड़का और पत्नी, एक लड़की और 2 तिवारी हैं, सुनील तिवारी साहब, बालेन तिवारी, लव तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? लोहरवार। थाना कौन लगता है? राजपुर। कब की घटना? 18 तारीख के रात में 19 हम जानन साहब। कैसे पता चला आपको कि उनकी हत्या इन्होंने की है? गांव से, गांव के लोगों कहना है जी। क्या पहले कोई विवाद था पुराना? जी साहब, विवाद ऐसा बहुत नहीं रहा है, लड़का खेल कूद कर रहे हैं। फिर वो धमकी दिया कि आज तुमको मार डालेंगे, 4 दिन पहले। इस मामले में, मामले को लेकर थाने में शिकायत थी, स्थानीय थाने में? जी साहब। क्या वहाँ से निकला? कोई शिकायत नहीं मिली। 3 आरोपी इसमें पकड़े हैं। पकड़ गए हैं 3 आरोपी? जी। पुलिस ने मुकदमा कायम किया है? मुकदमा कायम किया है उनके का है, कौन सी धारा का? 302। अब आरोपी पकड़ गए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? 3 पकड़ गए, 2 आरोपी हैं, 2 और वो हैं, और लड़की और माँ, वो भी 2 लड़की के चक्कर में हत्या हुई है। प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग वाले में। तो क्या चाहते हैं, लड़की भी मुलजिम बने? लड़की और माँ और 2 जो एक फरार है, सुनील तिवारी और लव तिवारी, ये भी मुलजिम बने। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविन के बघेली समाचार। नमस्कार।